फ्रेंड्स, मेरा नाम एमबी संसार। आज देखिए हमारे साइड पे हमारे डायरेक्टर सर आ चुके हैं आज लड़के लोग को इन्फेक्शन करने के लिए, और कुछ लड़के लोग का फाइनल भी होने जा रहा है। उनके लिए टेस्ट लेने के लिए आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। एक मिनट सर, देखिए हमारे डायरेक्टर सर जी सर अच्छा हमारे जा रहे हैं डायरेक्टर सर हमारे, देखिए एक्सीवेटर का टेस्ट लेंगे और उनका क्या क्या लड़के लोग का चला रहे हैं देख सकते हैं। देख सकते हैं आप मेरे स्टूडेंट लोग एक्सीवेटर चला रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते दोस्तों। मैं हूं फरीद अहमद, आप देख रहे हैं गर्ल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। ये हमारे साइड है, आज साइड में हम लोग आए हुए हैं। देखिए ये हाईवे से जब सड़ा हुआ साइड है, हाईवे उधर है, सट के हम लोग का साइड है। हम लोग का देखा है अभी, बहुत सारा मशीन हम लोग के पास में आपने देखा होगा बहुत वीडियो में पहले। ये फोरक्लिफ्ट है, ये क्रेन है जो कि यहाँ पर लड़के सीख रहे हैं, क्रेन मोबाइल क्रेन जिसको बोलते हैं, टेलीस्कोपिक वाली हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन है। ये फोरक्लिफ्ट है डीजल वर्सन वाली, डीजल इसमें वर्सन बैटरी वाली भी आती है। और ये टाटा डीची एक्सकेवेटर है, और ये है फॉर्कलिफ्ट जेसीबी है जिसको बैक्यूलेटर कहते हैं। और यहाँ पर देखिए डंपर चल रहा है, ये हमारे स्टूडेंट लोग डंपर चला रहे हैं। ये सारी चीज़ जो आपको देखने मिलेगी ये हमारी साइड है। आज स्पेशली वीडियो क्या बना रहे हैं कि हमारे लड़के लोग जो है ना किस तरह से एक्सकेवेटर चलाते हैं। देखिए यहाँ पर और एक एक्सकेवेटर हमने हमारे पास में है, तो हमारे टीचर हमारे जो फैकल्टी लोग किस तरह से इन लोग को ट्रेन करते हैं, किस तरह से बताते हैं। देखिए लड़के लोग अपने से बनाए हैं, ये देखिए किस तरह से डिगिंग कर रहे हैं, देखिए किस तरह से गड्ढा कर रहे हैं, फाउंडेशन कटिंग जिस तरह से होता है, बॉक्स कटिंग कर रहे हैं, बिल्कुल बेहतरीन ढंग से किए हैं। देखिए एकदम ये अपने से इन लोग गड्ढा किए, किस तरह से गड्ढा होता है ये आप इस माह पर समझ सकते हैं। देखिए एक सेम मशीन हमारे पास में है जो कि एक्सकेवेटर, इसके बारे में भी हम लोग बताते हैं, जिसको पोकलैंड के भी कहते हैं। ये टाटा हिटेची कंपनी की, देखिए एक्सकेवेटर बहुत सारी कंपनी बनाती है, जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था आपने देखा होगा इस वीडियो को, कि एक्सकेवेटर जो बहुत सारी कंपनी बनाती है, जेसीबी भी बनाती है, टाटा हिटेची भी बनाती है, लिबर भी बनाती है, वॉल्वो बनाती है, कैड बनाती है, दोसान बनाती है, एलएनटी पीसी 200 वो भी बनाती है, कमस्तो बनाती है, बहुत सारी कंपनी बनाती है। आपको ज़्यादातर जो है फॉरेन कंट्री में ज़्यादातर आपको वॉल्वो और टेरेक्स और आपको कैड की मशीन देखने मिलेगी, और इंडिया के अंदर में आपको एलएनटी पीसी 200 जो कि कमास्तो कंपनी की है वो मिलेगी, और टाटा हिटेची कंपनी वो मिलेगी, और जेसीबी आजकल जेसीबी भी बनाती वो भी मिलेगी, और एसी एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कंपनी ये भी बनाती है। तो बहुत सारी कंपनी बनाती है, सब में सिमिलरिटी, सब में कोई मशीन अगर चलाते हैं बढ़िया से, प्रैक्टिस अगर आपको अच्छी है तो आप कोई भी मशीन आसानी से चला सकते हैं। अगर प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस में कमी है, तो फिर आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी चलाने में। देखिए कितना डीप किए हुए हैं ये स्टूडेंट हमारे, अपने से चलाते हैं, कितना डीप किए हैं। देखिए फिनिशिंग काम भी है, काम भी माशाल्लाह बहुत फिनिशिंग काम किए हैं, ये कितना बढ़िया बेहतरीन ढंग से डीप कर रहे हैं। देखिए देखिए फाउंडेशन कटिंग किया है, एक आपको कम से कम 5x5 का एक फाउंडेशन कटिंग करने के लिए बोला गया था, करीब 6x6 का एक फाउंडेशन कटिंग करने के लिए बोला गया था, और डीप करीब 5 फीट का डीप हुआ था। तो ये स्टूडेंट किए हैं, तो माशाल्लाह बहुत फिनिशिंग से काम किए हैं। और दूसरा एक लड़का जो काम कर रहा है, कितना डीप कर रहा है ये चलिए बताते हैं, कितना डीप में गड्ढा कर रहा है। तो हमारे ट्रेनर जो है ना, देखिए कितना गड्ढा किए हैं माशाल्लाह, ये करीब कम से कम 10 फीट गड्ढा होगा, 10-12 फीट गड्ढा होगा, 12 फीट गड्ढा, और 10x10 का एक फाउंडेशन कटिंग किया गया है। तो ये बॉक्स कटिंग किया गया, कैसे बॉक्स कटिंग करते हैं मैं स्टूडेंट से जानना चाहूँगा कि बाबू आपका क्या नाम है, कहाँ से हो आप? सर मेरा नाम आर्तत्रन चांदे, मैं उड़ीसा से हूँ। उड़ीसा जी? उड़ीसा कौन जगह? ब्रह्मपुर सर, ब्रह्मपुर से। यहाँ कैसे पहुँचे?
सर यहाँ पे मेरा एक जो दोस्त था सर जीटीआई से ट्रेनिंग लेगा एक्सकेवेटर का सर, वो अफ्रीका में अच्छा से कमा रहा था। अफ्रीका में? अच्छा, जी। माशाल्लाह। तो उन्होंने ही मेरे को बताया कि तुम हेल्पर ही छोड़ के यार कुछ ऑपरेटर बन जाओ। मैं बोला कहाँ जाना है, बोला कि तुमको जाना है झारखंड जाइए। अच्छा, वहाँ पे जीटीआई जैसे कि गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाइए, वहाँ पे ट्रेनिंग लीजिए। अच्छा, तो बस हो गया सर, आज मेरा फाइनल है सर। आज फाइनल है? जो बॉक्स सेटिंग की अपने से किए? जी सर। कितना अपना को कहाँ तक अभी पा रहे हो? जी सर, अभी तो सर पहले तो ऐसा लगता था कि हम हेल्पर है कुछ नहीं है, अभी सर ऑपरेटर हो गए तो सर अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है सर। ये फंक्शन के बारे में थोड़ा सा बताओ जी। हाँ, ये अपना लीवर है। हाँ। जो कि ये ऑपरेटिंग का लीवर है। हाँ। और ये दोनों है अपना ट्रैवलिंग लीवर। अच्छा जी। ये वाली? ये सर ऑन करने से ही अपना मशीन और अपना ट्रैवलिंग सिस्टम चल सकता है। ये होता है अपना ऑफ और ये हो गया ऑन। ये फंक्शन काम करता है। ये वाला मार्चिंग लीवर है। ये होगा अपना पेडल से भी चला सकते हैं और हाथ से भी चला सकते हैं। ये दोनों में क्या फंक्शन है? ये दोनों में ये इसमें है अपना बूम ऊपर बूम नीचे। हाँ। लेफ्ट बकेट बंद बकेट खोला। हाँ। और इसमें आर्म लंबा आर्म छोटा और राइट स्विमिंग लेफ्ट स्विमिंग। अच्छा। जी क्या बोलना चाहोगे थोड़ा उड़िया में बता दो कि कौन कहबा क्या होता है। मुँह कहवाक चाहूँ कि जदि कहीं अपरेटिंग ट्रेड में आसपा चाहूँ तो आम ये जमशेदपुर आम झारखंड में आसिक जीटीआई जहाँकि फुलपम गल्फ ट्रेनिंग इनिट्यूट आसिक डायरेक्टर सर ना सर सेफ फरीदुल्ला सर उनसी भी ऑफिस में और अपना जो क्लास होता है और ट्रेनिंग ये दोनों बहुत अच्छा लगता है। बाकी यही अपना ऑपरेटिंग इसलिए आया कि क्योंकि सर इसमें से बहुत लड़का बन के गए हैं। हम फेसबुक में देखे हैं सर, गूगल में भी देखे हैं और यूट्यूब में भी देखे हैं। ऊपर से मेरा खुद का ही दोस्त सर यहाँ से सीख के जाके इतना कमा रहा है। क्या सैलरी? क्या सैलरी मिला उसमें? सर उसका मॉरिशियस करेंसी था सर 45,000। इंडियन करेंसी? नहीं, इंडियन करेंसी सर 80,000 होता है सर। इंडियन करेंसी 80,000 रुपया कमा रहा। आपको उम्मीद है कि अभी जाके 80,000? जी सर, हमको तो भी जाना है सर, इसीलिए तो सर हम ऑपरेटिंग बन गए सर। पहले एक लेबर थे, अभी सर ऐसा लग रहा है कि सर हम ऑपरेटर बन गए। क्या नाम आपका बताए? आर्तत्रान चंडो। चंडो आप बताइए कि आप बहुत सारा मशीन तो मेरे पास में, बाकी सब मशीन को छोड़ के आप एक्सकेवेटर क्यों चूज किए? क्योंकि सर मेरा भी जितने भी दोस्त है सर सब एक्सकेवेटर ऑपरेटर ही सर। सब एक्सकेवेटर सब माशाल्लाह कामयाब है? सब कामयाब है सर, कोई तो सर एक लाख से कम ही नहीं कमा रहा है सर। कामयाब में दो दोस्त हैं। आपके माध्यम से मैं जानना चाहूंगा कि व्यूअर्स लोग का बता सकते हो कि बाकी मशीन से ज्यादा इसमें ज्यादातर वैकेंसी है? हाँ इसमें भी है, हर मशीन में है, लेकिन जैसे कि हमको अच्छा लगा एक्सकेवेटर सीखने के लिए हम सीखे और हम चाहते तो मोबाइल क्रेन है, जेसीबी है, अब डंपर है, फोर्कलिफ्ट है। अच्छा। और यहाँ पे कार ड्राइविंग का भी मिलता है हमको चांस। अच्छा। तो हमको एक्सकेवेटर ही अच्छा लगा तो हम एक्सकेवेटर में आ गए। आपको जो अच्छा लगे जैसे कि जेसीबी हो, मोबाइल क्रेन हो, उसमें आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर अपना हर तरह का मशीन है जीटीआई में। अच्छा माशाल्लाह। मैं व्यूअर्स लोगों को बताना चाहूंगा कि आप बाकी मशीन से ज्यादा इसमें अपॉर्चुनिटी ज्यादा है जॉब की। एक्सकेवेटर में सैलरी भी ज्यादा है, ऊपर से सर इसका डिमांड भी बहुत है सर आउट ऑफ कंट्री में, इंडिया में। फिलहाल आप यहाँ जो डेढ़ दो महीना समय बिताया, कितना अपने आप को एक्सपीरियंस किया थोड़ा सा? सर मेरे को मेरा एक्सपीरियंस तो सर मेरा टीचर जो क्लास का टीचर और जो ट्रेनिंग टीचर ये दोनों से जितने मैं नॉलेज लिया हूँ और उससे भी जो लिया हूँ मैं खुद से जो देखा हूँ। अच्छा। सर मेरे को ऐसा लगता है कि मैं पूरा परफेक्ट हूँ, थोड़ा बहुत कम रहूंगा सर। अच्छा। ऐसा नहीं कि पूरा एक ही दिन में बन जाऊँ, ऐसा लग रहा है कि सर मैं पूरा 95% कंप्लीट हूँ सर। माशाल्लाह। थ्योरी प्रैक्टिकल सब जी दोनों सर, दोनों साथ में ही कर रहे थे। लॉजिंग फूडिंग का क्या? सर वो ठीक है सर, खाना पीना तो पांच उंगली सही नहीं है, आज ठीक है कल होगा नहीं, वो ठीक है। लॉजिक अपना हॉस्टल रूम खाना पीना सब ठीक है, और मुझे सबसे अच्छा लगता है सर अपना क्लास और ट्रेनिंग। बाकी खाना तो हम देखे नहीं क्योंकि हमको यही काम, हमको सक्सेस बनना है इसीलिए सर। तो देखा आपने ये क्या नाम बताया आपका? आर्तत्रान बनाया, ये जमशेद सॉरी ओडिशा से है, जो की माशाल्लाह बहुत खुश भी है, इनका काम बहुत अच्छा लगा। किस तरह से हमारे जो ओडिशा के स्टूडेंट आए हैं किस तरह से फिनिशिंग कर रहे हैं? साइड कटर बोलते हैं, समझे? मिट्टी वही छोड़ देना है माशाल्लाह, मिट्टी नहीं उठाना है, मारिए दोनों तरफ, आगे पीछे दोनों तरफ करना है माशाल्लाह। देखिए किस तरह से कर रहे हैं, आगे और पीछे, आगे पीछे साइड कटर। इससे क्या है कि जो गड्ढा किए हैं, जो बॉक्स बनाए हैं, वो फिनिशिंग रहेगा, देखने में चिकना रहेगा, देखने में फिनिशिंग रहेगा, उबड़ खाबड़ नहीं रहेगा। उससे क्या है कि लेबर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो काम ऐसा करना है कि बेहतरीन ढंग से आप कर सके, क्योंकि आप सिर्फ मशीन चलाने से नहीं होता, जितना प्रैक्टिस रहेगा। आप लोग बोलते हैं ना कि मशीन में बहुत ज्यादा रेट है, तो ये मशीन जो है ना कम से कम 2,000 का रेट में चलती है। मैं आप लोगों को व्यूअर्स लोगों को बता दूं, जो हमारे एक्सकेवेटर मशीन है 2,000 का रेट में चलती है, कम से कम 12 से 13 लीटर डीजल खाता है, और बीच बीच में अगर लड़का सही ढंग से नहीं मिला तो अगर मशीन पटक दिया या सब पाइप फटने का चांसेस रहता है, तो कई बार पाइप फटता है तो उसका काफी कॉस्ट 3,500-4,000 के आसपास में पाइप लग जाता है हम लोग का। तो प्रैक्टिस हम लोग कराने देते हैं, लेकिन इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे जो कि फिनिशिंग है,
मैं व्यूअर से बताना चाहूंगा कैमरामैन से, थोड़ा इस तरह कैमरामैन भी बड़ी रिस्क लेकर के आपको बता रहे हैं कि किस तरह से फिनिशिंग काम हो रहा है। देखिए मैं भी थोड़ा सा रिस्क लेता चाहता हूँ, देखिए किस तरह से फिनिशिंग काम हो रहा है। माशाल्लाह ये जबरदस्त काम कर रहे हैं और इसी तरह से हम लोग देखिए ट्रेनिंग होगा, जितना मशीन प्रैक्टिस करेंगे जितना मशीन चलाएंगे तो इसी तरह से फिनिशिंग काम हो सकता है। नहीं तो सिर्फ चला के जाना तो वो बात ईजी है, बहुत सारा देखे होंगे वो सिर्फ मशीन चला लेते हैं, मशीन चलाने के चले जाते हैं, हाँ सीख गए, लेकिन सीखना नहीं है। यहाँ पर मशीन से काम आना चाहिए आपको, जो आप सीखने जा रहे हैं ये मशीन से काम कर पाए। और हमारे कैमरामैन से बोलूंगा इसको उठाइए और थोड़ा से स्विंग करा के दिखाइए, लेके यहाँ डालो, फिर इसको फिलअप भी करना है। देखिए हाइवा लोडिंग किस तरह से होता है ये भी आपको बताएंगे। मसाला डाउन करके एकदम डालना, और डाउन करके और डाउन करके पूरा डाउन करके डालना है। मसाला पहले इधर से भरी, एक तरफ कोना से उठाइए, मसाला देखिए किस तरह से ये पूरा बारीकी से, जैसा जिस तरह से एक ऑपरेटर अच्छे से काम करता है बिल्कुल उसी तरह से इनका हाथ फ्री काम होता है। देखिए आप अगर एक्सकेवेटर सीखना चाहते हैं जिसको हम लोग पुकलेन कहते हैं, इसी तरह से आप आके ट्रेनिंग कर सकते हैं, बेहतरीन ढंग से ट्रेनिंग मिलेगा और हर तरह का फैसिलिटी मिलेगा आपको। आपको मशीन प्रैक्टिस करने ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा क्योंकि आप बारीकी से काम कर सकें। देखिए ये मशीन ऐसा है ना कि आपको एक घंटा दो घंटा नहीं, कम से कम हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस कराने देते हैं। जितना प्रैक्टिस आप करेंगे, जितना प्रैक्टिस करके जाएंगे आप, उतना आपका हाथ क्लियर रहेगा। अगर आपका हाथ फ्री रहेगा तो कहीं भी काम आपको आसानी से मिल जाएगा, कोई भी कंपनी आपको काम आसानी से रखेगा, कोई भी मालिक आपको चॉइस करके रखेगा। तो इसी तरह से हाथ फ्री होनी चाहिए। हमारे कुछ स्टूडेंट लोग हैं, आप बताइए आप कहाँ से हो, क्या नाम है आपका? सर मैं मध्य प्रदेश से हूँ सर। मध्य प्रदेश से जी, क्या सर? नाम है? दिनेश सिंह। क्या चीज सीख रहे हैं? एक्सकेवेटर सर। एक्सकेवेटर कितना दिन हो गया सर? मेरे को डेढ़ महीना हो गया सर। डेढ़ महीना से सीख रहे हैं, डेली चलाने मिलता है? जी सर मिलता है, आधा घंटा सर। आधा घंटा, हाँ। थ्योरी? थ्योरी सर दो सर है, दो घंटा मिलता है सर। दो घंटा थ्योरी मिलता है। हाँ आप बिल्कुल सर, ये वाला बॉक्स बनाए? जी हाँ सर। आप बनाए माशाल्लाह, इसी तरह से काम कर लेंगे आप? यस सर। फाइनल है? यस सर फाइनल सर। आज क्या बोलना चाहेंगे मध्य प्रदेश के लोगों को? सर मैं बोलना चाहूंगा कि जो फ्रेंड दोस्त यार है मेरे, जिनको मतलब कि हेक्सावेटर पोकलेन बोलते हैं, क्या चाहते हैं तो गर्ल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आए, एडमिशन लेके अपना सीखे अच्छे से। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, ये थे मध्य प्रदेश आए हुए, देखिए कहाँ कहाँ से लड़के लोग आकर के यहाँ सीख रहे हैं। आप कहाँ से हो, क्या नाम है? जी मेरा नाम हितेंद्र सिंह है, मैं झारखंड से ही आया हूँ। झारखंड कहाँ के रहने वाले? झारखंड सिमडेगा जिला के सर। सिमडेगा से यहाँ आए? आप भी पोकलेन सीख रहे हो? जी पोकलेन सीख। कितना दिन हुआ? प्रैक्टिकल 6 दिन हुआ है सर, ये थ्योरी 15 दिन हो गया। थ्योरी 15 दिन है, प्रैक्टिकल अभी 6 दिन हुआ। हां 6 दिन। कैसा लग रहा है कि आपका सक्सेस हो जाओगे? हो जाएगा सर, सक्सेस हो जी। क्या बोलना चाहते हैं सिमडेगा वाले को? जी एक्सकेवेटर सीखना है तो गर्ल ट्रेनिंग आइए, यहां सब चीज का फैसिलिटी है। हां और यहां अच्छी तरह से सर लोग कोऑपरेट करते हैं और सिखाते हैं। मैं और एक बंदे से पूछना चाहूंगा, आपका क्या नाम है, कहां से हैं आप? आइए मेरे साथ में चलिए। सर मैं बिहार से हूं, राजस्थान में मेरा काम हुआ। अच्छा और मैं गोपाल जो हम लोग वीडियो बनाते हैं, वीडियो देख देख के जो आते हैं, क्या वो वीडियो सही रहता है? बहुत सारे लड़के बिलीव नहीं करते, क्या वो सही रहता है? जी सर वीडियो अच्छा रहता है यहाँ का, जो वीडियो जो दिखाते हैं परफेक्ट दिखाते हैं हम। जी सर परफेक्ट। बहुत सारे बोलते हैं कि वीडियो फेक होता है, वीडियो सही नहीं, वीडियो में तो बहुत सारे कोई कुछ बना लेते हैं, लेकिन हम लोग लाइव बनाते हैं कि जिस तरह से लड़के चलाते हैं, जो काम हम लोग देते हैं, जो बोलते हैं वो चीज देते हैं कि नहीं देते हैं? जी सर बिल्कुल मिलता है सर, बिल्कुल मिलता है। कितना दिन हो गया आपका? जी सर मेरे को यहाँ 10 दिन हो गया। 10 दिन हो गया माशाल्लाह। 10 दिन से क्या क्या मिला अभी तक? जी सर आज मेरा पहला दिन है प्रैक्टिकल का। और प्रैक्टिकल का पहला दिन है जी सर। 10 दिन तक क्या थ्योरी की है? जी सर। कितना घंटा थ्योरी होता है? 2 घंटे होती है थ्योरी। 2 घंटा थ्योरी, दो टीचर थ्योरी पढ़ाते जी सर, सदाब सर और सुभाष सर। जी सर ये आपको रिक्वेस्ट लगा कर रहे हैं कि मैं चला पाऊंगा, बढ़िया कर पाऊंगा? जी सर जी सर। अगर इतना बढ़िया से कर पाते हैं तो मैं भी कर पाऊंगा? जी सर बिल्कुल बिल्कुल। क्या बोलना चाहोगे अपने फ्रेंड लोग को, क्या बोलना? जी सर मैं यही बोलना चाहूंगा कि जिसको भी सीखना है एक्सकेवेटर या पोपलेन, वो आके गल्फ ट्रेनिंग में आके सीख सकते हैं। अच्छा मैं एक बात आपको बता रहा हूँ कि एक्सकेवेटर क्यों सीखे आप बताइए? जी सर मुझे अच्छा लगा एक्सकेवेटर, यहाँ तो काफी सारी मशीनें हैं बट मुझे एक्सकेवेटर अच्छा लगा। तो दोस्तों देखा आपने कि अगर एक्सकेवेटर सीखना चाहते हैं तो आप बिंदास यहाँ पर आए सीखे, और एक्सकेवेटर ऐसा मशीन है कि आपको कहीं भी काम मिलेगा, ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका काम मिलेगा, और इसीलिए एक्सकेवेटर में ज्यादा से लड़के आते हैं सीखने के लिए। तो ये बंदा ऐसा है कि ये मशीन ऐसा है कि हम लोग के पास दो दो मशीन है, एक टाटा हिटाची कंपनी की, एक जेसीबी कंपनी की मशीन है। तो हम लोग बहुत सारा मशीन में भी हम लोग उन लोग को थ्योरिटिकली नॉलेज दे देते हैं,
और प्रैक्टिकल भी नॉलेज इस तरह से देते हैं, फाउंडेशन कटिंग किस तरह से होता है, ट्रेंच कटिंग किस तरह से होता है, बैक फिलिंग किस तरह से होता है, लोडिंग किस तरह से होता है, मशीन का मेंटेनेंस किस तरह से कराया जाता है, ये सारा फैसिलिटी हम लोग यहाँ पर देते हैं। सारा चीज़ लड़के लोग को प्रैक्टिस कराते हैं, ऐसा नहीं कि आपको एक दो दिन, कम से कम डेढ़ महीना तक इसी मशीन में प्रैक्टिस कराते हैं, आधा घंटा, 45 मिनट, कभी 15 मिनट, कभी 20 मिनट। तो लड़का लड़का जैसा जैसा हाथ फ्री होते जाता है, वैसा वैसा कुछ ज़्यादा मशीन मिलता है कि कहीं भी जाके वो अपने से काम कर पाए, ये नहीं कि हेल्पिंग करे, कहीं भी जाके फिर सीखने का जरूरत पड़े, यहाँ आने के बाद उसको सीखने का कहीं जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट जाकर वो मशीन चला सकता है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, दुनिया का हर कोने तक पहुँचाने का कोशिश कीजिए। बाकी जो हमारे फ्रेंड लोग बैठे हुए हैं, पढ़ लिख करके बैठे हुए हैं, उन लोग तक ये मशीन पहुँचे, वो ये मैसेज पहुँचे। और ज़्यादा से जानकारी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, और वो नंबर पर आप फ़ोन करके जानकारी कर सकते हैं। और मैं फ़ोन नंबर बता दे रहा हूँ, 9334820330, 9471308285 पे, दोनों नंबर पे व्हाट्सअप नंबर भी है, व्हाट्सअप से मैसेज कर सकते हैं और ये बता से भी सकते हैं, फ़ोन करके डिटेल्स जानकारी ले सकते हैं। और हमारे वेबसाइट भी है www.gtijsr.com, इस नंबर से भी आप, वेबसाइट से भी आप जानकारी हासिल कर सकते हैं, फेसबुक भी देख सकते हैं, गर्ल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का फेसबुक भी है, आप GTI का भी एक यूट्यूब भी है, गर्ल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम पे यूट्यूब भी है, आप उसमें भी उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप डिटेल्स जानकारी ले सकते हैं। बहुत सारा वीडियो आपका डाले हुए हैं, बना बना करके आप लोग देख सकते हैं। जो बंदे नए देख रहे हैं, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें, वीडियो को इसी तरह से देखते रहिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।